खबर बानसूर से पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने अपने एक दिवसीय दौरे को लेकर बानसूर पहुंचे और उन्होंने कार्यालय पर बजट को लेकर प्रेस वार्ता की। पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के मत से मंत्री शकुंतला रावत ने झूठी घोषणाएं की हैं। बानसूर से इशरार काबाज और माजरा ढाकोड़ा सड़क मरम्मत होगी। पहले से प्रावधान है कि PMJSY से निर्मित सड़कों का नवीकरण होगा। इसमें केवल मरम्मत होगी, नवीकरण का पैसा नहीं दिया गया। और क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए। पीडब्ल्यूडी के मद से ये घोषणा शकुंतला जी ने करने की झूठी घोषणाएं की है के साहब, बानसूर में मैनपुर नांगल कोटपुतली सीमा ईसरा का बास माजरा डाकोड़ा तक की मरम्मत होगी। ये बड़े शर्म की बात है मंत्री जी के लिए कि सड़क की मरम्मत पहले से ही प्रावधान है कि जो PMJSY की सड़कें स्टेट हाईवेज है उनकी हर 10 साल में नवीनीकरण होगा। मरम्मत का तो कहीं प्रावधान ही नहीं है। मरम्मत कराने से ये झूठी झांसाबाजी करने की क्या जरूरत थी, खड्डे भर देंगे तो ये मरम्मत से क्या तात्पर्य है, इसको स्पष्ट करें। मरम्मत का मतलब लीपापोती की गई, नवनीकरण का पैसा नहीं दिया गया। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि 15 करोड़ की लागत से बानसूर में नारायणपुर रोड से बामनवास तक उसकी दूरी 3 किलोमीटर है, उसमें 15 करोड़ की लागत की घोषणा की जो सरेआम झूठी है, मतलब झूठ का सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। 15 करोड़ की 3 किलोमीटर की सड़कें आज तक कभी कोई इतनी लागत से बनी नहीं। और अगर ये सड़कें धरातल पर अगर इसको बनाने की घोषणा सही मायने में की है तो मैंने आज PWD के अधिकारियों से बात की है और उन्होंने कहा हमारे यहाँ से तो कोई प्रपोजल ही नहीं गया। तो क्या राजस्थान की उद्योग मंत्री टेक्निकल इंजीनियर भी है क्या? उसने कैसे अनुमान लगाया कि ये 15 करोड़ में बनेगी जब टेक्निकल प्रपोजल नहीं है? टेक्निकल प्रपोजल नहीं है तो 15 करोड़ रुपया का आकलन कैसे हुआ? शकुंतला बताए कि वो PWD में कभी इंजीनियर रही है या कोई मेड का काम किया है या कुछ किया है क्या, कैसे आकलन किया? तो मुझे इसमें संदेह है। इसके बारे में शकुंतला पब्लिक के सामने इस बात को खुलासा करें। तीसरी बात, बानसूर में और कुछ घोषणा हुई नहीं, कोई काम हुआ नहीं या किसी तरह का भी। अब ये जो घोषणाएं कर रहे हैं ये बजट लायक घोषणा नहीं है। ये मरम्मत का काम सड़कों का करना ये करना ये बजट की घोषणा में नहीं है। ये तो वैसे ही हो सकता है, बजट में अगर घोषणा करनी थी तो शकुंतला जी बानसूर में इतना पाले के कारण फसलों का खराबा हुआ, उनको इंटरवेन करना चाहिए था और मुख्यमंत्री के मुंह से कहला देना चाहिए था कि जहाँ फसलों का खराबा हुआ है वहाँ किसान को हम इतना परसेंट सहायता देंगे। उसका कहीं कोई जिक्र नहीं किया। अरबों रुपए की फसल नष्ट हो गई और इस बजट में कोई स्पेशल कोटा निर्धारित नहीं किया।